right? So let's begin compound angles. In fact, अपना already हो चुका है, तो हम फटाफट रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कॉम्पाउंड एंगल्स पे, ठीक है? ओके, तो साइन ए प्लस बी, चलो आप लोग रिकॉल करो, साइन ए प्लस बी सब लोग जानते हैं, इट इज साइन ए प्लस, सॉरी, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इज इट? पहली बात, कॉम्पाउंड एंगल्स का मतलब सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल्स, राइट? ए प्लस बी, ए माइनस बी, या ए प्लस बी प्लस सी, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? दोज आर कॉम्पाउंड एंगल्स, ठीक है? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम. डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं. फर्स्ट, साइन ए प्लस बी, ठीक है? इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है? और ये बीच में नेगेटिव साइन होता तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? दिस यू प्रीटी मच नो. अब आते हैं कॉस ए प्लस बी में. कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी, इसमें देखो दोनों कॉस या दोनों साइन माइनस, है ना? यहां प्लस होता तो ये माइनस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है? और थर्ड वाला tan a plus b, right? tan a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, right? अगर ये minus होता तो ये भी minus, तो ये plus, right? So these are your basic compound angles formula, ठीक है? This is something which is known to us anyway. इसका देखो पहला application ये है. फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पाउंड एंगल्स, कॉम्पाउंड एंगल फॉर्मूला इज फाइंडिंग नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स. रिमेंबर अपना 10th स्टैंडर्ड में जो टेबल था, इट वाज ओनली टिल 90, एंड मोर ओवर द स्टैंडर्ड एंगल्स वेर 0, 30, 45, 60 एंड 90. अब और कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स एड हो जाएंगे अपने इसमें, एंड दोज आर बेसिकली 15 डिग्री, 75 डिग्री एंड 105, है ना? जिसके वैल्यूज आपको याद रखनी होंगे, राइट? अच्छा, इवन इफ यू डू नॉट रिमेंबर 105, इट इज एक्सेप्टेबल, बट 15 और 75 के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो हम क्या करेंगे, 15 डिग्री, जैसे कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है अपने को. वैसे भी होपफुली आप जानते हैं ऑलरेडी, इट इज √3 माइनस 1 बाय 2 √2, राइट? cos 15 इज √3 प्लस 1 बाय 2 √2, tan 15 इज √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, व्हिच कैन आल्सो बी सिंपलीफाइड एज 2 माइनस √3, ठीक है? ये सब हम डिराइव कर चुके हैं अपना बोर्ड क्लासेस में, राइट? बट स्टिल यू नो विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट. तो 15 डिग्री को हम दो पार्ट्स में लिखेंगे, दो एंगल्स स्पेस में लिखेंगे. तो 15 कैन बी रिटन एज 45 माइनस 30, ये एक कॉम्बिनेशन है, और दूसरा कॉम्बिनेशन है 60 माइनस 45. यू नो यू कुड स्टिक टू एनी वन ऑफ दिस कॉम्बिनेशंस, राइट? अच्छा, व्हाटएवर 75 कैन बी रिटन एज 45 प्लस 30, राइट? एंड व्हाटएवर 105 कैन बी रिटन एज 60 प्लस 45, ठीक है? बाय सिंपली यूजिंग दीज कॉम्बिनेशंस you should be able to evaluate all trigonometric functions ke values of these angles, theek hai? To hum ek derive karenge, hum jaise ki sin 15 degree derive karenge, theek hai? sin 15 degree hum isko likhenge sin 45 minus 30, to ye sin a minus b ke form mein hai, to sin 45 cos 30 minus cos 45 sin 30. So, ये 1 by root 2, root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2. So, this simply becomes root 3 minus 1 by 2 root 2. ठीक है? And remember, from complementary technique, recall, sin theta is basically cos 90 minus 15, which is cos
ठीक है, तो इवन इफ यू ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 यू शुड बी एबल टू गेट √3 माइनस 1 बाय 2 √2. ठीक है, तो आप 75 और 105 के एंगल्स, अच्छा 75 105 के आप घर पे कर सकते हो. तो हम एक काम करेंगे, हम यहां सारे वैल्यूज लिस्ट करेंगे. ठीक है, विल नॉट डिराइव, विल जस्ट लिस्ट दोस वैल्यूज हियर. ठीक है, और आपको एकदम रटना है, विल हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज, राइट. अगर आप बोलोगे कि हम वक्त पे डिराइव करोगे, देन यू नो यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम, राइट. सो ये हो गया साइन 15, राइट. एनीवे, सो साइन 15 इज √3 माइनस 1 बाय 2 √2. कॉस 15 इज एक्चुअली √3 प्लस 1 बाय 2 √2. रिमेंबर साइन, इफ यू रिकॉल द ग्राफ ऑफ साइन, साइन का ग्राफ ऐसा था, रिमेंबर, नीचे से ऊपर, और कॉस का ग्राफ ऊपर से नीचे, रिकॉल करो, राइट. और टाइम वाला ग्राफ वो समथिंग लाइक दिस, नीचे से ऊपर. इसका मतलब टाइम इंक्रीजिंग है, साइन भी इंक्रीजिंग है पाई बाय टू तक, और कॉस डिक्रीजिंग है. इसका मतलब फॉर स्मॉलर एंगल साइन इज स्मॉलर, फॉर स्मॉलर एंगल कॉस इज बिगर, फॉर स्मॉलर एंगल tan is again smaller. मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो आएगा tan 15, मैंने which you actually get √3 minus 1 upon √3 plus 1. ठीक है, जिसको अगर हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, we get 2 minus √3. So the point keep in mind here is for smaller angle देखो sin और tan नेगेटिव है और cos जो है वो पॉजिटिव है. ठीक है, अच्छा फॉर ग्रेटर एंगल, फॉर ग्रेटर एंगल जैसे कि इफ यू लुक एट 75 साइन 75 डिग्री, अब देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा √3 प्लस 1 बाय 2 √2 cos 75, फॉर ग्रेटर एंगल cos इज स्मॉलर, मतलब ये √3 माइनस 1 बाय 2 √2 और tan 75 इज √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 व्हिच इज 2 प्लस √3. ठीक है, ये वैल्यूज आपको एकदम रखना है. अच्छा, अगर ये वैल्यूज आप जानते हैं तो इसके रेसिप्रोकल्स के जान लेना, सो नीड नॉट वरी अबाउट दोस क्वेश्चन, दोस वैल्यूज है ना. विल मोस्टली फोकस ऑन साइन कॉस एंड टैन. Let's solve some questions now. Some, you know, let's start with some silly questions, simple questions. Then we move on to some difficult ones. Okay. First question. Yes. A value 8. Yeah, find the value of sine 45 degree plus theta into cos 15 plus theta minus cos 45 degree plus theta into sine 15 plus theta. ठीक है, चलो आप लोग ट्राई करो. आप लोग जानते हैं ये ऑलरेडी कौन सा फॉर्म में है, साइन ए. देखो ये पूरा एंगल आपका ए रहेगा. ठीक है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ठीक है, तो आपको ना डायरेक्ट साइन वाला कॉम्पाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, चलो आप लोग ट्राई करो. नेक्स्ट, कॉस 45 प्लस थीटा इंटू कॉस 15 प्लस थीटा प्लस sin 45 plus theta into sin 15 plus theta. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रूव दैट साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए इज इक्वल टू जीरो. सेम क्वेश्चन का दूसरा वेरिएशन है, ये हम क्लास में करेंगे, ये क्लास वर्क है और ये आपको घर पे करना है, ठीक है. सेम थिंग, पूरा देख, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी प्लस साइन C minus A upon sin C sin A. Now this is also equal to 0. And the question number 5, we will class in the if sin alpha is 3 upon 5, cos beta is 9 upon 41, where alpha comma beta belongs to interval 0 to pi by 2. या 0 टू 90, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है. देन वी नीड टू एवैल्यूएट साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा और फोर कॉस अल्फा माइनस बीटा फिफ्थ tan alpha plus beta 6 tan alpha minus beta. एक ये एक पैकेज क्वेश्चन है, यू नो वेरी इंपॉर्टेंट. Let's try these questions. First तो कितना है आंसर? 1/2. Is correct, I guess. ये देखो sin a cos b minus cos a sin b. This is obviously sin a minus b. यहाँ a कौन है? 45 degree plus theta. Sin a minus b 50 plus theta. Isn't this what we get? So ये देखो 45 minus 15 is 30 और theta theta gets cancel. मतलब this is basically sine 30 which is 1/2, ठीक है. अच्छा ये देखो cos a cos b plus sin a sin b which is basically cos a minus b again. मतलब we gonna get the same angle cos 30 which would be equal to root 3 upon 2. Right. So basically, you know, quite simple questions. Basic questions, you know. Okay. What about question number 3? Question number 3, question number 4 are also pretty simple questions. क्या भाई बस आपको numerator में compound angle formula apply करना है. ठीक है, तो हम एक एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन यू नो विल ट्राई टू जनरलाइज फॉर दिस एज वेल एज दिस. तीनों को सिंपलीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे दिस एक्सप्रेशन. तो साइन ए माइनस बी, तो वी गोना स्टार्ट विद साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस ए. ठीक है, तो साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस cos a sin b whole divided by cos a cos b. ठीक है, so what will this be equal to? जब हमने इसको इससे डिवाइड किया cos cos कैंसिल, तो sin upon cos
gives us tan minus, जब इसको इससे डिवाइड किया तो यह आएगा tan b, ठीक है, तो आया tan a minus tan b. So you know you could easily guess second expression की value should be tan b minus tan c, और third expression की value tan c minus tan a. और जब इन दोनों को add किया तो plus and minus gets cancelled, सारे cancel हो जाएंगे and ultimately we will get zero, ठीक है. शायद से इसमें cot a minus cot b आएगा, cot b minus cot c minus cot a, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, अगेन यू विल गेट जीरो. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. अपने पास साइन अल्फा है 3/5, तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कॉस अल्फा Pythagorean triplet 4/5, but remember cos could have been +4/5 as well as -4/5. So always keep an eye on the interval. The alpha beta कौन सा interval में है? Alpha and beta both are present in first quadrant. That means all trigonometric functions are going to be positive. इसका मतलब cos alpha is +4/5. अच्छा. cos बीटा है तो हम sin बीटा फाइंड करेंगे. In fact 940, 41 अगेन आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. इसका मतलब sin बीटा शुड बी 40/41, ठीक है. बट why did we need cos alpha sin beta? क्योंकि if you look at the first expression where we have to find sin alpha plus beta, where we have to find sin alpha plus beta, it is simply sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta, is it? Sin alpha is directly given to us, cos beta is given to us, लेकिन cos alpha and sin beta we had to evaluate, है ना? ये देखो मैंने directly Pythagorean triplet से निकाला, आप triangle Pythagorean theorem से आप find कर सकते हो, ठीक है? बस अभी यहाँ values put up करना, तो sin alpha is 3/5, cos beta 9/41, cos alpha 4/5, and sin beta 40/41. So do not cancel out denominators क्योंकि common denominator है 5 1 5, 5 4 20. Numerator का 9 3 is 18 plus 160. So ultimately 178/205. Right? This should be value of sin alpha plus beta. Similarly, आप find कर सकते हो sin alpha minus beta. Same goes for cos alpha plus beta, cos alpha minus beta. Once you have values of cos alpha plus beta, cos alpha minus beta, you can just divide these values to evaluate tan. है ना? या आपके पास choice है, you could find tan alpha plus beta in a different way by applying tan वाला compound angle formula. Right? 9 3 is 27. Okay. Printing mistake. So 160 plus 27 would be 187, isn't it? Right. Okay. बड़े बड़े शहर में छोटे छोटे mistakes. Acceptable. Okay. तो बाकी क्या आप find कर सकते हो? हम एक tan वाला करेंगे. ठीक है? So remember, if you have already found sin alpha plus beta, cos alpha plus beta, तो आप tan alpha plus beta directly इनको divide करके find कर सकते हो. But then we want to use tan alpha plus tan a plus b वाला formula, इसलिए हम ये इस method से कर रहे हैं, ठीक है?
अच्छा रिमेंबर टैन अल्फा प्लस बीटा इज टैन अल्फा प्लस टैन बीटा अपॉन वन माइनस टैन अल्फा टैन बीटा, ठीक है। लेकिन आपके पास टैन अल्फा की वैल्यू नहीं है तो फाइंड करेंगे फ्रॉम दिस, सो दिस अपॉन दिस तो 3/4, सिमिलरली टैन बीटा दिस अपॉन दिस 40/9, राइट। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दीस वैल्यूज, 3/4 प्लस 40/9 होल डिवाइडेड बाय 1 - 3/4 40/9, ठीक है। सो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 9 3 27, 14 × 4 160/36 होल डिवाइडेड बाय, ये देखो 9 4 36 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 36 माइनस 120 अगेन होल डिवाइडेड बाय 36 36 36 गेट्स कैंसल, सो 187/36 माइनस 120 माइनस 84 इज इट राइट। अच्छा तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा शुड बी माइनस 84 अपॉन समथिंग, ठीक है। ये बाकी क्या फाइंड कर सकते हैं राइट। लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Very interesting question. Prove that tan square 2 theta minus tan square theta upon 1 minus tan square 2 theta into tan square theta is equal to tan 3 theta into tan theta. Very interesting. Okay, if you look at, you know, tan wala compound angle formula, it should be tan A plus tan B, yeah, tan A minus tan B. Lekin yahan har jagah squares hai, har jagah squares hai, that means, you know, we'll have to do something else. What is it that we need to do? Obviously, identity. You see, numerator is in the form of A square minus B square. In fact, denominator भी a square minus b square के form में है, isn't it? Right, so okay, so a square minus b square, tan a plus tan b, right? Into a plus b, a minus b. Let's look at denominators. Now this is going to be interesting. ये देखो 1 को आपने लिख दिया 1 स्क्वायर, तो फिर ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये पूरा इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, बट प्लस यू लिख दिया ना, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अच्छा ये देखो, इसमें देखो नीचे में एक माइनस वाला आएगा, एक प्लस वाला आएगा, तो ये काम, अच्छा अपना फॉर्मूला के हिसाब से ऊपर प्लस होता तो नीचे माइनस होना चाहिए, इसका मतलब हम माइनस वाला इसके साथ लिखेंगे, प्लस वाला जो है इसके साथ लिखेंगे, माने दिस बिकम्स 1 माइनस tan 2 theta, tan 2 theta, tan theta, और ये 1 plus tan 2 theta, tan theta, ठीक है? So ये ultimately tan a plus b के form में है, तो tan 3 theta, tan a plus tan b, 1 minus tan a tan b, tan a plus b into ये वाला tan a minus b, it's pretty simple question again. So, I think you know this is where we're gonna stop. और हम complicated questions कल वाला class में करेंगे, ठीक है? So by tomorrow we'll try to wind up compound angles and hopefully we introduce double angle, triple angle formulae as well, right?